74 सीटों पर जीत का टारगेट तय। 61 सीटों में 15 सीटों पर ब्राह्मण होंगे चेहरा। 14 सीटों पर पिछड़े होंगे उम्मीदवार। 13 सीटों पर दलितों को मिलेगी भागीदारी। 10 सीटों पर क्षत्रिय विरोधियों पर चलाएंगे तलवार। बीजेपी ने टारगेट तय कर लिया है। टारगेट अचीव करने के लिए उन्होंने सोशल इंजीनियरिंग के ताने बाने को पूरी तरह से रिसर्च करके पेश किया है। जिन 61 सीटों के लिए बीजेपी ने अभी अपने उम्मीदवारों की घोषणा की है, इसमें जातीय समीकरण का खास ध्यान रखा गया है। इसमें सबसे ज्यादा ब्राह्मणों को तवज्जो दी गई है, इसके बाद पिछड़े समुदाय और फिर दलितों को मैदान में उतारा गया है। 15 सीट ब्राह्मणों के खाते में आई है, 14 सीट पिछड़े समुदाय और 13 सीट दलितों को दी गई है। 10 सीटों पर क्षत्रिय समुदाय को उम्मीदवार बनाया गया है। 4 सीटों पर जाट और 2 पर गुर्जर को प्रत्याशी बनाया गया है। वहीं 1 सीट वैश्य, 1 पारसी और 1 भूमिहार जाति को दी गई है। आपको बता दें, यूपी ही एक ऐसा राज्य है जहां ब्राह्मण वोटर को खारिज करना मुश्किल है, जहां सवर्णों को खारिज करना आत्मघाती कदम होगा। इसके साथ ही पिछड़ों और दलितों की आबादी भी इतनी है कि राजनीतिक समीकरण को सॉल्व करने के लिए उनका भी साथ चाहिए। कुल मिलाकर यहां सभी जातियों को साथ लेकर चलना कामयाबी का एक अहम मंत्र है। सपा बसपा आरएलडी के बीच गठबंधन भी इसी समीकरण के तहत हुआ है। कांग्रेस जातीय समीकरण से तालमेल की पुरजोर कोशिश कर रही है। ऐसे में बीजेपी कहां पीछे रहने वाली थी। बीजेपी ने सोशल इंजीनियरिंग का दाव चला है। हालांकि बीजेपी सीट बंटवारे में जाति को आधार बनाने की बात सिरे से खारिज कर रही है, लेकिन जिस हिसाब से सीटों का बंटवारा किया गया है, उससे तो यही लगता है कि उनकी रणनीति में भी सबसे ऊपर जाति है, इसके बाद विकास की बात।